और अब बात करेंगे भिवानी की। भिवानी में कुछ दिनों की राहत के बाद कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और अब सख्ती होगी। देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां भिवानी में भी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अब सख्ती दिखाने लगे हैं। पुलिस के द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि धरना प्रदर्शन में इकट्ठे होने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। कोविड-19 एक्ट के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसी कड़ी में ना केवल लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, बिना मास्क व भीड़ इकट्ठी करने वाले लोगों के अब चालान काटे जा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ लोगों को और शिक्षण संस्थाओं में, चाहे कोचिंग सेंटर्स की बात करें या फिर दूसरे प्रतिष्ठानों की बात करें, वहाँ पर लोगों को मास्क भी पुलिस के द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी तरह से वॉयलेशन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित किया जाना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह के आंकड़े अब ज़िले में बढ़ते जा रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित कर रहे हैं, ना ही मास्क लगाकर कहीं जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी पुलिस के द्वारा दी गई है जो कि अब नियमों का वॉयलेशन कर रहे हैं। भिवानी से सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब बात करेंगे कैथल की। कैथल में कोरोना के 60 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, साथ ही एक मौत हो गई है। सीएमओ जय भगवान जाटान ने जनता से जरूर मास्क पहनने की अपील की है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कैथल में आज 60 पॉजिटिव कोरोना मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर कैथल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। लगातार मामले पॉजिटिव आने के कारण आज सीएमओ जय भगवान जाटान द्वारा अधिकारियों की मीटिंग ली गई, कर्मचारियों की मीटिंग ली गई और गांव वाइज सरपंचों को और मेंबरों को भी आज स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए कि आपके गांव में जो भी कॉन्टैक्ट है और जितने भी गांव के अंदर की जो बीमार है, जिनमें सिम्टम वगैरह दिखाई दें, तो तुरंत कैथल सिविल सर्जन में कॉन्टैक्ट करें, ताकि जो कोविड-19 एक बड़ी महामारी बीमारी है, इसको जल्द रोका जा सके। कैथल के सीएमओ जय भगवान जाटान ने शहरवासियों से अपील भी की है कि वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलें और अगर कोई ज़रूरी कार्य है तभी घर से बाहर निकले और मास्क जरूर पहने, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं इन पर रोक लगाई जा सके और शहर को कोरोना से मुक्त किया जा सके। कैथल से कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।